एक छोटी सी प्यारी सी लड़की इस घाट तक आया करती थी। वो इतनी प्यारी थी कि उसकी परछाई उकेर कर अपने पत्थरों में रख दी। कुसुम, उसका नाम कुसुम था। वो इसी गांव की रहने वाली थी। नदी के जल से उसको बहुत प्यार था। वो हमेशा घाट पर खेलने आया करती थी। अचानक उसका घाट पर आना बंद। घाट को उसकी सहेलियों की बातों से पता चला कि उस नन्ही सी छोटी सी कुसुम का विवाह हो गया है और वो अपने पति के घर दूसरे गांव चली गई है। दिन बीते, ऋतुएं बीती और एक दिन अचानक घाट के पत्थरों में अजीब सी आहट हुई, जो कभी कुसुम के पैरों की आहट से जगा करती थी। कुसुम लौट आई थी, लेकिन ये क्या? कुसुम ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे। घाट को उसकी सहेलियों की बातों से पता चला कि कुसुम विधवा हो गई थी। दिन बीतते गए, ऋतुएं बीतती गई और एक दिन एक सुदर्शन सन्यासी उस नदी के घाट पर आया और घाट पर बने शिवालय में जाकर बैठ गया। वो हर रोज सुबह शाम प्रवचन करता और गांव के कुछ लोग उसे सुनने के लिए आते, लेकिन कुसुम उसमें सम्मिलित नहीं थी। धीरे धीरे वर्षा के दिनों में उफनती हुई गंगा जैसी खूबसूरत कुसुम हो गई और एक दिन सूर्य ग्रहण के अवसर पर आसपास के कई गांवों के कई लोग गंगा स्नान के लिए आए थे। उसमें कुसुम के ससुराल के गांव की कुछ स्त्रियां भी थी। वो जब स्नान करके घाट पे आ रही थी तब उस सन्यासी को देखा तो वो बातें करने लगे कि क्या ये सन्यासी कुसुम के पति जैसा नहीं लगता? तो दूसरे कहती, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और वो चली गई। और एक दिन पूर्णिमा की संध्या को कुसुम घाट की सीढ़ियों पर बैठी थी और अचानक वो सन्यासी शिवालय से बाहर निकला और घाट की सीढ़ियां उतर ही रहा था कि उसने एक स्त्री को बैठे हुए देखा। वो वापस लौटने को था। तब कुसुम ने अपना घूंघट उठाया और सन्यासी को देखा। दोनों एक दूसरे को एक टक देखते रहे और फिर दूसरे दिन से हर शाम और हर सुबह कुसुम उस सन्यासी का सत्संग सुनने आया करती और साथ में पूजा के फूल भी लाती। लेकिन बहुत दिनों के बाद कुसुम का घाट पर आना बंद हो गया। कई दिनों तक कुसुम नहीं आई तो सन्यासी ने उसे बुलवा भेजा। कुसुम आई और आकर नतमस्तक सन्यासी के सामने खड़ी हुई। सन्यासी ने उसे ना आने का कारण पूछा तो कुसुम ने रोते हुए बताया कि मैं आप जैसे पुण्यशाली आत्मा के समक्ष बैठने के लिए लायक नहीं हूं। मैंने सपना देखा है और सपने में मुझे आप प्रेम कर रहे हैं तो मैं इसीलिए नहीं आई। जब यह बात सन्यासी को कही तो सन्यासी ठिठक कर रह गए और कुसुम को उसने कहा कि यह बात किसी को मत बताना। और उस दिन
वो सन्यासी गांव छोड़कर चला गया और दूर जाते हुए अपलक नेत्रों से कुसुम उसे देखती रही और फिर गंगा में पड़कर उसने आत्महत्या कर ली। थैंक यू।